नई नवेली कश्मीरी दुल्हन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खूबसूरत कश्मीरी दुल्हन ने दूल्हे के साथ अपने ससुराल जाने का फैसला किया। उसे अपनी शादी की पोशाक पहने और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है। लोगों ने कश्मीरी दुल्हन का ये वीडियो काफी पसंद किया। जानकारी के मुताबिक इनकी शादी 2 दिन पहले उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई थी। दूल्हा दुल्हन दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इस वीडियो को मंतशाक नाम के यूज़र ने शेयर किया है। दुल्हा और दुल्हन को अपनी शादी की पोशाक में देखा जा सकता है और वे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो में दुल्हन खुशी खुशी अपने ससुराल जा रही है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ ससुराल जाती हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। वीडियो में दुल्हन को महिंद्रा थार चलाते हुए देखा जा सकता है। ट्विटर यूज़र ने कमेंट सेक्शन में जाकर नवविवाहिताओं को बधाई दी और वीडियो को खूबसूरत बताया। एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, अब रिवाज बदल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा और मेरा कोई ऐसा प्लान था नहीं। इन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला आप ड्राइव करेंगे, मैंने बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो यहाँ हम जैसे ही पहुँचे यहाँ पे सब मम्मा पापा सब थे, तो सबको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये वीडियो कैप्चर वायरल करने की बात नहीं है। जब मैं वहाँ पे बारात लेकर पहुँचा और उसके बाद जब इनकी रुखसती हो रही थी, तो जब गाड़ी में बैठे तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने गाड़ी खुद ड्राइव करके यहाँ पर आए। जहाँ तक मुझे लगता, मैं इसमें कोई प्लान नहीं था, लेकिन जो मुद्दा और मकसद मेरा था, वायरल करने का कोई मुद्दा मकसद नहीं था, वीडियो कैप्चर करने का नहीं था, लेकिन मुद्दा ये था कि जिस तरीके से हमारे माशरे में और सोसाइटी में आप एक औरत का स्टेटस आप देख लीजिए, किस तरह से डाउनग्रेड किया गया है और किस तरह से जो औरत का स्टेटस है और औरत के प्रति जो बिहेवियर एटीट्यूड यहाँ पे मर्दों का है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेरे जहन में, वो चीज़ मेरे जहन में चल रही थी और उसी लिए मैंने ये एक स्टेप लिया। और उसके बाद जो हुआ उस तक उस पर मेरा कोई प्लान नहीं था और ना उस पर कोई काबू मेरा था। रेस्ट इट्स हिस्ट्री।